राज्य के 37,000 नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, क्योंकि ऐसे सभी शिक्षकों का काउंसलिंग का डेट हो गया फाइनल। तो पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि आने वाले शिक्षा विभाग का हर खबर मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण राज्य के 1,87,818 में से 37,000 शिक्षकों का अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाया है। वैसे सभी 37,000 नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स में डाउटफुल लिखा हुआ है, जिसको लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दें कि 37,000 नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग का निर्णय दुर्गा पूजा के बाद लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ विचार विमर्श किया, पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। अब पूजा बाद फिर से बिहार बोर्ड और पदाधिकारियों के बीच इस पर मंथन होगा। मालूम हो कि राज्य के 1,87,818 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता वन में उत्तीर्ण किया है, जिनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर तक हुई। लेकिन शिक्षकों के आधार कार्ड, नाम नाम अथवा प्रमाण पत्रों में त्रुटि के कारण कई शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो सका। वहीं 3,300 शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित ही नहीं हुए। शिक्षकों के आधार नंबर और प्रमाण पत्रों की त्रुटि को सुधारने का मौका भी दिया जाना है। इस संबंध में विभाग ने बिहार बोर्ड को एक पत्र भेजा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद ही उनके स्थानांतरण पर विचार होगा। ऐसे में जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है, उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा काउंसलिंग का। लेकिन फिलहाल अभी इस पर निर्णय नहीं हो सका है कि कब तक इनका काउंसलिंग होगा। लेकिन राज्य के 36 से 37 हजार शिक्षकों का भी दोबारा काउंसलिंग होगा, और वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। लेकिन शिक्षक एवं शिक्षक संघ की मांग है कि जो प्रथम फेज में 1,87,818 शिक्षक हैं, उसमें से जो 37,000 शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है, वैसे सभी शिक्षकों का काउंसलिंग कराते हुए सक्षमता वन में 1,87,818 शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया किया जाए, ताकि ऐसे शिक्षकों को वित्तीय लाभ से वंचित नहीं होना पड़े। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें शिक्षा विभाग से हर खबर सबसे पहले पाने के।